मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, आज अपने शिक्षार्थियों के लिए यूजी पीजी दोनों प्रोग्राम में जलवायु विज्ञान के भाग शामिल हैं, उसके विभिन्न अध्यायों में या यूनिट और खंड में जो आपके पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है, पुराने लेक्चर जो हुए थे उसके आगे उसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं, और उसमें आज का जो विषय है परिचर्चा का वह है तापमान। तापमान हमारे इस पूरे परिवेश को कैसे प्रभावित करता है और पूरे विश्व समुदाय तापमान को लेकर के किस तरह से सशंकित है, इन अनेक बिंदुओं को हम लोग आज के व्याख्यान में शामिल करेंगे। तापमान होता क्या है, प्रश्न उठता है, और इसका मापन कैसे किया जाता है। हमारे भूगोल के सभी शिक्षार्थी इस बात को जानते हैं कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा की तीव्रता की माप ही तापमान है, और इस तापमान का मापन थर्मामीटर के द्वारा डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। बहुत पहले इसे फारेनहाइट में भी मापा जाता था, वर्तमान में डिग्री सेंटीग्रेड में इसका मापन किया जाता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा लघु तरंगों में हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है और वायुमंडल को गर्म करती है, और उसका अधिकांश भाग पृथ्वी धरातल को प्राप्त होता है। फिर पृथ्वी धरातल विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से उसका उत्सर्जन करती है, और उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो वायुमंडल का जो गर्म और ठंडा होने की जो प्रक्रिया है उसका मूल स्रोत पृथ्वी से होने वाला बहिर्गामी पार्थिव विकिरण जो दीर्घ तरंगों में होता है, और सूर्य से आने वाला सौरिक प्रवेशी तरंगे हैं जो लघु रूप में प्रवेश करती है, जिनको हम लोग साड वेव्स कहते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें 502 सेकंड में पहुंचती हैं, और ये 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस बात पर अध्ययन किया था कि कितने ग्राम कैलोरी ऊष्मा कितने वर्ग सेंटीमीटर में कितने समय में प्राप्त होती है, तो 1.94 ग्राम कैलोरी ऊष्मा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट हमारे इस वायुमंडल में प्राप्त होती है, जो सूर्य के द्वारा प्रवेशित सौरिक लघु तरंग के रूप में जिसका आगमन होता है। पृथ्वी से होने वाला जो बहिर्गामी पार्थिव विकिरण है, इस बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को धीरे धीरे आपका जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में व्याप्त गैसें विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे ऑक्सीजन जलवाष्प को भी गैस के रूप में विद्वानों ने माना है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें, धूल कण राख कण जो वायुमंडल में विद्यमान है तैरते रहते हैं, पृथ्वी से होने वाले पार्थिव विकिरण को अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, ऊष्मा का संचयन होता रहता है, और ऊष्मा के संचयन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से यह हमारा जैसे जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ेंगे वह ऊष्मा स्टोर हो जाएगी और वायुमंडल गर्म होता रहता है। कोई भी पिंड जो ऊष्मा का अवशोषण करता है वह ऊष्मा का उत्सर्जन भी करता है। पृथ्वी ऊष्मा 12 घंटे प्राप्त करती है दिन में, लेकिन पृथ्वी से होने वाला जो बहिर्गामी पार्थिव विकिरण है उत्सर्जन होता है वो 24 घंटे में होता है। हमारा ये वायुमंडल पूरी तरह से कंबल की तरह काम करता है, और वायुमंडल के कारण से ही यह पृथ्वी का जो तापमान है
वो पूरी तरह से संतुलित है और इसीलिए पारिस्थितिक तंत्र हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर विद्यमान है। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, किसी पर पारिस्थितिक तंत्र का विकास नहीं हुआ। केवल पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र के विकास के पीछे मूल कारण हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली उष्मा और पार्थिव उष्मा दोनों को संतुलित करके संयोजित करती है। हाँ, जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ते हैं वैसे वैसे पृथ्वी से होने वाला जो रेडिएशन है उसका जो विकिरण है अंतरिक्ष की ओर वो बढ़ता जाता है। कारण क्या है? वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल कई परतें हैं। क्षोभ मंडल में वायुमंडल का 75% द्रव्यमान विद्यमान है, बादल हैं, जलवाष्प, धूल कण, राख कण, भारी गैसें हैं जो उष्मा को संचित कर लेती हैं। टेम्परेचर निचले भाग में ज़्यादा रहता है। यदि इसकी मात्रा बढ़ा दिया जाए, जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो भारी गैसें हैं, इसकी मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान तेजी से इंक्रीज करेगा। वो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में उसका एक लक्षण दिखाई देगा। और जो डेंसिटी बढ़ती है वायुमंडल की, चाहे वो मानवीय क्रियाकलाप का परिणाम हो या चाहे प्राकृतिक क्रियाकलाप का परिणाम हो, वह ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैस का स्रोत के रूप में शामिल होती है। हमारे वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ेंगे वैसे वैसे सौरिक प्रवेशी तरंगे और बहिर्गामी पार्थिव दीर्घ तरंगे दोनों की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। और दोनों की क्वांटिटी बढ़ जाने के कारण से जब हम किसी विमान के द्वारा यात्रा करते हैं, कोई पहाड़ी क्षेत्र पड़ जाएगा तो पहाड़ी क्षेत्र के ऊपरी भाग पर पार्थिव विकिरण तीव्र गति से होगा। वायुमंडल पूरी तरह से विरल होने की वजह से उस विकिरण को संचित नहीं कर पाता, इसीलिए ऊंचे पर्वतों को विकिरण की खिड़की, रेडिएटिव विंडो के नाम से जाना जाता है। यानी वायुमंडल के निचले भाग में घनापन के कारण उष्मा का संचयन अधिक होता है। जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ही बात कर रहा हूं, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में जब आप जाएंगे वायुमंडल की विरलता मिलेगी, भारी गैसों की कमी मिलेगी, डस्ट पार्टिकल कम मिलेंगे, तो निसंदेह यह पार्थिव विकिरण या सौर प्रवेशी विकिरण के संचित भंडारण के लिए कोई तथ्य नहीं है, कोई वेरिएबल्स नहीं है। विकिरण ज्यादा होगा, टेम्परेचर घट जाएगा। अच्छा, उष्मा जहां संचित होगी टेम्परेचर वहीं बढ़ेगा, उष्मा जहां संचित नहीं होगी टेम्परेचर वहां नहीं बढ़ेगा। और इस तरह से टेम्परेचर का घटना बढ़ना एक प्रक्रिया जारी रहती है और संतुलित तापमान के कारण से पारिस्थितिक तंत्र होगा, जैसा हमने पहले बताया। हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में पूरे 24 घंटा पृथ्वी के द्वारा रेडिएशन होता रहता है, लेकिन दिन के समय सौरिक विकिरण प्राप्त होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो दिन के समय सौरिक विकिरण प्राप्त होगी, जिसे हम लोग इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्य से आने वाला सूर्यातप कहते हैं, वो दिन में 12 बजे के लगभग सबसे ज्यादा मिलता है। और वह उष्मा ऊर्जा में बदलने में या उसके प्रभाव के अंकन करने में कुछ समय लगता है। दिन में 12 बजे सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, सूर्यातप ज्यादा मिलेगा, लेकिन टेम्परेचर यानी तापमान 2 से 4 बजे अधिकतम होता है। इसे तापमान की शिथिलता कहते हैं, लैग्स ऑफ टेम्परेचर। तो पूरे 24 घंटे में 2 से 4 बजे अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है, 5-6 बजे तक सूर्यास्त होने लगता है, सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती है, सुबह फिर टेम्परेचर गिर जाता है, जिसे हम लोग 4-5 बजे के लगभग न्यूनतम तापमान अंकित करते हैं। तो न्यूनतम तापमान 4-5 बजे, अधिकतम तापमान 2 से 4 बजे दोपहर के बाद, और न्यूनतम तापमान सुबह के 4-5 बजे।
दोनों तापमान के अंतर को 24 घंटे का दैनिक तापांतर कह देते हैं। एक प्रश्न उठता है कि दैनिक तापांतर क्या है, तो सीधे दिन के अधिकतम तापमान से दिन के न्यूनतम तापमान को घटा दीजिए, ये दैनिक तापांतर हो जाए। अब एक टर्मिनोलॉजी और आती है, औसत तापमान क्या है, तो दिन के अधिकतम तापमान और 24 घंटे के न्यूनतम तापमान जो आप 4-5 बजे सुबह अंकित करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से विभाजित कर दीजिए, जो टेम्परेचर आपको परिकलित होगा वो आपका औसत तापमान पाया जाएगा। इस तरह से हम सप्ताह का, 3 दिन का, 1 मंथ का, 365 दिन पूरे 1 साल के अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, औसत तापमान, तापमान परिसर, रेंज ऑफ टेम्परेचर की गणना कर लेते हैं। विश्व में जो तापमान अंकित किया जाता है मित्रों, उस तापमान के अंकन में कई चीजें पाई जाती हैं, जैसे बोस्टोक मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर अलजीजिया लीबिया, अफ्रीका के लीबिया देश का अलजीजिया में रिकॉर्ड किया गया, भारत में गंगानगर अधिक तापमान, लेह में तापमान कम, सियाचिन ग्लेशियर बर्फ जमा हुआ। तापमान का जो वितरण है वो निसंदेह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न पाया जाता है, तापी भिन्नता पाई जाती है पूरे आपके इस ग्लोब पर। तो यह जो पार्थिव और सौरिक विकिरण होता है उसका परिणाम यह होता है कि हमारा ये वायुमंडल, उसका हीटिंग और कूलिंग, कैसे वो शीतल होता है और कैसे वो गर्म होता है, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं में जैसे फ्रॉम सोलर रेडिएशन, मैंने लिखा सूर्य से आने वाली उष्मा, पृथ्वी पर जो उष्मा हमारे वायुमंडल में प्राप्त होती है वह 48 यूनिट है सामान्य रूप से। उस 48 यूनिट में 14 यूनिट उष्मा सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, उष्मा बजट पिछले अध्यायों में चर्चा हुई थी। अब ये जो 14 यूनिट मिलती है आपके सूर्य से, 48 में 14 आपने माइनस किया, बचा 34 यूनिट। वह 34 यूनिट उष्मा पृथ्वी के द्वारा रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस, लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन, यानी पृथ्वी के द्वारा विकिरण से पृथ्वी के संपर्क में जो टर्बुलेंस आएंगे, विक्षोभ आएंगे, संवहन धाराएं डेवलप होंगी, पृथ्वी से जो वाष्पीकरण होता है उसके द्वारा 19, 9 और 6 आप जोड़ेंगे 34 यूनिट उष्मा प्राप्त होगी। वायुमंडल के गर्म और शीतल होने में सूर्य भले उष्मा का स्रोत हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो उष्मा प्राप्त होती है वो पृथ्वी से प्राप्त होती है। तो अगर आप कह सकते हैं कि सूर्य के वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने में सबसे बड़ी भूमिका पृथ्वी की है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपने पढ़ा होगा इस बात को कि सोलर कंडक्शन क्या होता है, चालन क्या होता है। चालन एक अणु से दूसरे अणु में उष्मा प्राप्त होती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा। तो पृथ्वी के संपर्क में जो वायुमंडल की गैसें आती हैं, धीरे धीरे उष्मा का अवशोषित कर लेती है। टेरिस्ट्रियल रेडिएशन, पृथ्वी विभिन्न माध्यमों से वायुमंडल में अपने विकिरण के द्वारा उष्मा को प्रवाहित करती रहती, उष्मा को संचारित करती रहती है, उष्मा का स्थानांतरण होता रहता। कन्वेक्शन यानी संवहन को भी आपने पढ़ा होगा। संवहन तरल और गैस दो पदार्थों में होता है। अब जो कहीं पर भी पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ा और धरातल पर थोड़े बहुत उष्मा आई, उस उष्मा का धीरे धीरे वायुमंडल की विभिन्न गैसें
पृथ्वी धरातल के संपर्क में आई, वहां से उष्मा उपजार कर ली और पुनः स्थान चेंज कर देती है। आप बहुत छोटे से एग्जाम्पल ले सकते हैं, संवहन धारा को ले लीजिए। संवहन धारा के माध्यम से पृथ्वी धरातल से उष्मा वायुमंडल में चली जाती है। कन्वेक्शन, एडवेक्शन, एडवेक्शन को आप लीजिए अभिवहन, वायुमंडल में पवन प्रवाह होता रहता है, क्षैतिज पवन प्रवाह, एडवेक्शन। उस क्षैतिज पवन प्रवाह में जैसे लू, खमसिन, हरमट्टान, चिनूक, जो भी क्षैतिज पवन प्रवाह है, वे सब उष्मा का संचरण, उष्मा का स्थानांतरण करने में अपनी महती भूमिका निभाती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जो भी पवने जाएंगी, वो विषुवत रेखीय क्षेत्र की उष्मा को लेकर के जाएंगी, और ध्रुवीय क्षेत्र से जो पवन विषुवत रेखा की ओर संचरित होती है, वह विषुवत रेखा से ठंडी हवाएं यानी कम टेम्परेचर को ला करके उष्मा को घटा देती है। इस तरह से उष्मा का आदान प्रदान करने में क्षैतिज पवन प्रवाह का भी भूमिका है। लेटेंट हीट, पृथ्वी धरातल पर अनेक जल स्रोत हैं, सूर्य की उष्मा आती है, उस जल स्रोत पर पहुंचती है, वहां के जल को वाष्प में कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है, और वाष्प में बदलने के बाद वाष्प ड्राई एयर की तुलना में यानी शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु का दाब घट जाता है, और उसमें वह लेटेंट हीट सीधे वायुमंडल में पहुंच जाती है। इसलिए यह लेटेंट हीट की एक प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण के माध्यम से उष्मा वायुमंडल में पहुंच जाती है, वायुमंडल में जाकर के संचित हो जाती है। नेक्स्ट बिंदु एडियाबेटिक, वायु संपीड़ित होती है, कंप्रेस्ड होती है, उसका आयतन घटता है, फिर वायु में प्रसार होता है, उसमें जब प्रसार होगा घनत्व घटेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस से भी वायुमंडलीय तापमान में कमी आती है और वृद्धि होती है। अब ये दो प्रक्रिया होती है जो अगली लेक्चर में शामिल किया जाएगा, ड्राई एडियाबेटिक और वेट एडियाबेटिक। शुष्क रुद्धोष्म दर, आर्द्र रुद्धोष्म दर से तापमान में परिवर्तन आता है, लेकिन यहां एक सामान्य बात है जो एडियाबेटिक पर चर्चा कर रहे हैं, रुद्धोष्म, रुद्धोष्म का मतलब यही हुआ कि उष्मा अवरुद्ध है लेकिन फिर भी तापमान बदल रहा है, तो इसका मतलब यह है वो प्रक्रिया क्या है, बहुत मैकेनाइज व्यवस्था होती, यांत्रिक विधि है। जब वायु कंप्रेस्ड हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है, डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, उसके पार्टिकल कण एक दूसरे करीब आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में उस वायु का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन वही वायु जब आयतन उसका बढ़ जाएगा, डेंसिटी घट जाएगी, वायु विरल हो जाती है, तो उसका टेम्परेचर घट जाता है। इस तरह से वायु के संपीड़न और विरलन से भी तापमान में परिवर्तन आता है और यह वायुमंडल में यह घटनाएं घटती हैं। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करते हैं, अभी हमने संक्षिप्त में बताया था कि हमारे हीट बैलेंस क्या है एटमॉस्फेयर का, कैसे उसका उष्मा संतुलित होती है। हमें टोटल एनर्जी मिलती है 48 यूनिट उष्मा, जिसमें सूर्य से मिल गई सीधे सीधे 14 यूनिट। अभी मैंने चर्चा किया था संवहन धारा, विक्षोभ, चक्रवात आदि के द्वारा 9 यूनिट उष्मा आपके वायुमंडल में चली जाती है, विकिरण से गई 6, टर्बुलेंस, संवहन, वाष्पीकरण आज से इससे गई 9, 9, 6, 14। फिर इसके बाद आपकी लेटेंट हीट 9, 6, 15 हुआ, लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन, आपकी जो संघनन की गुप्त उष्मा होती है जो वाष्पीकरण से जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचता 19 यूनिट जाती है। तो इस तरह से 19 और इधर आपके 15 मिलकर के 34 यूनिट उष्मा सीधे हमारे वायुमंडल को पृथ्वी से प्राप्त होता, टोटल 48 यूनिट उष्मा प्राप्त हो जाती। अब प्रश्न ये उठता, अगला स्लाइड में देखिए कैसे मीन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर अपॉन 2, यानी हम औसत तापमान का कैलकुलेशन ऐसे करते हैं।
तापमान का परिसर कैसे निकालेंगे, अधिकतम से न्यूनतम को घटा देंगे। ड्यूरनल रेंज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस में, सिंपल सी बात है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, साल भर का कैलकुलेशन करके मैक्सिमम और माइनस को घटा देंगे। इस तरह से जो उसकी पारिभाषिक शब्दावली है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। अभी मैंने बताया था कि अल अजीजिया का टेम्परेचर विश्व में 136 डिग्री फारेनहाइट, बोस्टो का टेम्परेचर -86 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप बर्कोयांस का ले लीजिए। अनेक ऐसे प्लेस हैं, जैकोबाबाद का टेम्परेचर लीजिए मैक्सिमम, गंगानगर का टेम्परेचर अधिक, लेह का टेम्परेचर अधिक, जैकोबाबाद का टेम्परेचर अधिक, यूएसए की डेथ वैली का टेम्परेचर अधिक। आखिर ये टेम्परेचर में जो वेरिएशन पाया जाता है उसके कुछ कारण हैं। वो कारण क्या है, फैक्टर कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर के वे कौन से कारक हैं जो नियंत्रित करते हैं, यहाँ हमने लैटिट्यूड्स अक्षांश कैसे नियंत्रित करता है, अल्टीट्यूड ऊंचाई कैसे नियंत्रित करती है टेम्परेचर को कि टेम्परेचर घटने बढ़ने पाए, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट सागर तट से दूरी कैसे तापमान को नियंत्रित करता है, नेचर ऑफ द लैंड एंड वाटर जल स्थल का जो वितरण है उसकी प्रकृति कैसे तापमान के वितरण में असमानता पैदा करती है या तापमान के वितरण में विविधता पैदा करती है, उन बिंदुओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस, पृथ्वी धरातल पर आप जहाँ जाएंगे एरियल डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है वहाँ पर कैसे प्रभावित करेगा, प्रिवेलिंग विंड्स पवन का जो प्रवाह है वो किस तरह से वायुमंडल के टेम्परेचर की वेरिएशन को बताता है, नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप जो हमारी पृथ्वी धरातल है उसका स्लोप कैसा है, ढाल कैसा है, ओशन करंट महासागरीय जलधाराएं, क्लाउड कवर हमारे जो बादल है, मेघाच्छादनता है वायुमंडल में, टेम्परेचर के वितरण को कैसे प्रभावित करती है। आइए बिंदु पे देखिए, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यहां पर आप देखेंगे ये आपका ग्लोब है ये, और इस ग्लोब में ये आपकी इक्वेटर लाइन है, इस इक्वेटर लाइन के बाद आप चलेंगे यहां पर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45, 60, 90 आया, इधर भी ऐसे बनाए गए अक्षांश। ये वाली रेखा आपकी नॉर्थ पोल साउथ पोल देशांतर रेखा, ये सब रेखाएं आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। आप सभी को पता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इस विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होंगी तो ऐसी स्थिति में यहाँ का सूर्यातप की प्राप्ति की दर ग्लोब में सबसे ज्यादा होगी, सूर्यातप यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे साउथ पोल की ओर जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी होंगी, वायुमंडल की मोटाई चेंज हो जाएगी बढ़ जाएगी, वायुमंडल की गंदगी में अंतर आएगा, इस कारण से तापमान में भी अंतर आ जाता है। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमका, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमका, फिर 22 दिसंबर को सूर्य आके मकर रेखा पर लंबवत चमका। तो ये जो पॉइंट्स मिलती है कर्क रेखा मकर रेखा यहाँ पर यदि लंबवत चमकेगा तो ऐसी स्थिति को बोला जाएगा कि ये आपकी विषु की स्थिति है, इक्विनॉक्स की स्थिति है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा ऐसी स्थिति ग्रीष्म संक्रांति समर सॉल्स्टिस या कर्क संक्रांति, यहाँ पर जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है सूर्य तो वो मकर संक्रांति शीत संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि सूर्य से आने वाली उष्मा यानी जो आपको सूर्यातप प्राप्त होती है वह सीधे सीधे तापमान नहीं है, बल्कि तापमान उष्मा की तीव्रता की माप है जिसको थर्मामीटर से मापते हैं, बल्कि तापमान उष्मा की तीव्रता का प्रभाव है जिसे आप थर्मामीटर से मापते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की उष्मा दोपहर में अधिकतम मिलेगी, पूरे विश्व में अधिकतम मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ वाटर सरफेस है, ये थोड़ा सा अर्थ सरफेस आया, तो ये वाटर सरफेस यहाँ पर भी ग्लोब में देखेंगे, यहाँ पर आपका अर्थ सरफेस, ये वाटर सरफेस,
ऐसे पोजीशन से या वायुमंडल जो क्लाउडनेस विषुवत रेखा के क्षेत्र में, उस बादल के छा जाने से, मेघाच्छादनता से वहां पर सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा आती तो है, लेकिन वहां पे यह वाष्पीकरण आदि की प्रक्रिया से उष्मा खर्च हो जाती, वेपरेशन में उष्मा खर्च हो जाती है। तो लिहाजा विषुवत रेखा के पास में अधिकतम टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, बल्कि जो आपके यहाँ डेजर्ट इलाके हैं, कर्क मकर पे जो डेजर्ट हैं, जैसे कालाहारी, सहारा, नामीबिया, सूडान, रब अल खाली, अरब के मरुस्थल, अफ्रीका के मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल, सोनोरेन डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, फिर आपके पाकिस्तान भारत के थार के डेजर्ट, इस सब डेजर्ट से जो कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, साउथ में मकर और नॉर्थ हेमिस्फीयर में कर्क रेखा, वहां पर नीट क्लीन एटमॉस्फियर, सनरेज आया, धरातल पर वाटर सोर्सेज नहीं है, जलाशय भंडारण नहीं है, उष्मा स्टोर होती गई, खुरदरा धरातल है, उष्मा स्टोर होती गई, दिन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जून में आपके यहाँ कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, उसे हम लोग ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, 21 जून की बात है, ग्रीष्म संक्रांति कहेंगे, कर्क संक्रांति कहेंगे, ऐसे विविध नाम हैं। और इसी जुलाई में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा, इसे थर्मल इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं, तापी भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। यानी जो आपका यह वायुमंडल है, यह जो गर्म और शीतल होता है, ये कई कारणों से होता है। तो थर्मल इक्वेटर लाइन अक्षांश रेखाएं भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम ओशन, डिस्टेंस फ्रॉम ओशन स्लाइड है, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, सागर तट से दूरी के अनुसार कैसे तापमान का वितरण प्रभावित होता है। बहुत सामान्य सी बात है, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहाँ आप देखिए मुंबई है, कोस्टल, कोस्ट पर एकदम पूरी तरह से कोस्टल रीजन की सिटी है, और ये आपका नागपुर मिड एरिया में है, यहाँ दिल्ली मिड एरिया में है, कानपुर आगरा, यहाँ कोलकाता कोस्टल रीजन में, विशाखापत्तनम, पांडिचेरी, चेन्नई, मदुरई, इसके बाद कालीकट, कोचीन, ये सब मरमा, गोवा, पणजी, ये सब आपके कोस्टल रीजन के टाउन्स हैं, नगर हैं। यहाँ आप एक चीज देखें, आप जब कभी मुंबई की यात्रा जाएंगे, गर्मी ठंडी किस भी ऋतु में जाए, जनवरी या जुलाई, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबो चमकेगा, जून जून का महीना, उस समय का टेम्परेचर, और फिर आप जब जनवरी में सूर्य साउथ हेमिस्फीयर में रहेगा, उस समय का टेम्परेचर मुंबई में बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा, बल्कि बढ़ेगा कहाँ, नागपुर के ग्रीष्म काल में टेम्परेचर ज़्यादा, शीत काल में टेम्परेचर कम, यानी ठंडी में अधिक ठंडी, गर्मी में अधिक गर्मी। ये केवल कोस्टल से दूरी होने कारण क्यों होता है, कोस्टल से दूरी के कारण टेम्परेचर में वेरिएशन, इसके कई कारण हैं। एक बहुत सामान्य कारण है, आप खूब पढ़े हैं, वो कारण क्या है, सागर से बहने वाली समीर, सागरी समीर, सागर से जो हवाएं आएंगी वो सागरी हो जाएंगी, जो स्थल से जाएंगे सागर की ओर स्थली समीर हो जाएगी। तो सागर समीर और स्थल समीर, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज के कारण से जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे टेम्परेचर का वेरिएशन बढ़ जाता है। सागर तट के पास, सागर में जो उष्मा यहाँ पास में अरेबियन सी में आई, वो उष्मा धीरे धीरे वाष्पन प्रक्रिया में खर्च होती गई, लेकिन नागपुर का स्थलीय क्षेत्र यहाँ वाष्पन होने कोई गुंजाइश नहीं, उष्मा आएगी संचित होती जाएगी, तो दिन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यहाँ टेम्परेचर बढ़ने के लिए सागर है जो उष्मा को संचित करने के बजाय उष्मा को खर्च कर देगा, ऐसी स्थिति में यहाँ का टेम्परेचर घट जाएगा, नागपुर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, हाइट यहाँ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से हवाएं संपीड़ित होंगी, उनका प्रेशर बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, वायुदाब बढ़ेगा, और नागपुर में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से वहाँ पर
टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वायु में आयतन वृद्धि होगी, घनत्व घटेगा, वायुदाब घटेगा, उसका भार घटेगा, हवाएं ऊपर उठती जाएंगी, सागर से सागर समीर आकर के ये ठंडी हवाएं सागर से आकर के यहाँ के टेम्परेचर को डाउन कर देती है। तो इस तरह से कोस्टल रीजन के जो भी शहर आप पाएंगे, चाहे वो इंडिया के पाइए चाहे वर्ल्ड के पाइए, कोस्टल रीजन के पास तापमान समकारी होता है। समकारी का मतलब होता है कि ग्रीष्म में ना तो अधिक बढ़ेगा और ठंडी में ना तो अधिक गिरेगा। लेकिन जहां पर भी आप आगरा, दिल्ली, कानपुर, भोपाल, इन सब जो सागर से दूर बसे हुए नगर हैं, यहाँ पर महाद्वीपीयता का प्रभाव होता है। दिन का टेम्परेचर ज़्यादा, गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा, ठंडी का टेम्परेचर कम और रात का टेम्परेचर कम होगा। ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं महासागरीयता का प्रभाव, महाद्वीपीयता का प्रभाव। अगर कोस्टल रीजन में टेम्परेचर समकारी है, इसे कहते हैं महासागरीयता का प्रभाव। और यदि आंतरिक भाग में टेम्परेचर का उतार चढ़ाव ज़्यादा है तो इसे कहेंगे महाद्वीपीयता का प्रभाव, कॉन्टिनेंटल इफेक्टिवनेस एंड ओशनिक इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट बिंदु, यह नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, हमारे इस ग्लोब के देखेंगे तो 71% भाग पर ये जली है, 29.8 बिंदु पर ये आपका आगे स्थल भाग है। तो स्थल और जल, इसका जो स्वरूप है वो बहुत अलग है। एक तो सॉलिड है, अर्थ सरफेस में लैंड भाग पूरी तरह सॉलिड, ओशन का इलाका पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में। और अब इसकी इंपैक्ट क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, या आप ये देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये स्थल भाग हुआ और ये सब महासागरी भाग है। अब इस पर जल स्थल के वितरण का प्रभाव कैसे टेम्परेचर पर पड़ता है, उस बिंदु को देखिए। डिफरेंसेज इन द ट्रांसपेरेंसिटी, भाई आप केयर करेंगे कि ट्रांसपेरेंसिटी, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो पारदर्शिता होती है, वो जल में और स्थल में अलग अलग होती है। जैसे बहुत सिंपल सी बात कहें, जल में आप कोई एक बाल्टी पानी लेते हैं, उसमें एक सिक्का गिर जाता आप देख लेते हैं, लेकिन बहुत छोटे से चाक के डस्ट में अगर कोई सिक्का गिर जाए तो आपकी निगाहें काम नहीं करती। यही सेम पैटर्न आप सनरेज को देखिए, जहां जलीय क्षेत्र होगा उसकी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, वो ज्यादा पारदर्शी होगा, सूर्य की किरणें गहराई तक जाएंगी। गहराई तक जाने से प्रति यूनिट एरिया में, प्रति इकाई क्षेत्र में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा जल में कम होगी। और स्थलीय भाग में क्या होगा, स्थलीय भाग में ट्रांसपेरेंसी कम होने की वजह से सूर्य से आने वाली ऊष्मा एक कम क्षेत्र को गर्म करेंगी, कम क्षेत्र को ऊष्मा देंगी। तो ऐसी स्थिति में प्रति यूनिट जो लैंड स्फीयर होगा, स्थल क्षेत्र होगा, लैंड सरफेस होगा, वहां पर ऊष्मा अधिक संचित होगी। तो केवल ट्रांसपेरेंसी के वजह से, पारदर्शकता के कारण से जली भाग में ऊष्मा प्रति इकाई कम मिलेगी और टेम्परेचर कम होगा, स्थली भाग में ऊष्मा ज्यादा मिलेगी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हम तब की बात कर रहे हैं जब सूर्य की पोजीशन हो। अब डिफरेंसेस इन द मूवमेंट ऑफ वाटर, आपने देखा होगा जो महासागर का जल हो या तालाब, नदी, सागर, हिमा, जो भी जहां जलीय क्षेत्र है, जो भी जल स्रोत है, जल क्षेत्र है, वो कभी जल शांत नहीं रहता, मूवमेंट रहता। कैसे मूवमेंट है, अगर वो महासागर है तो करंट्स होगी, जल धाराएं होंगी, ओशनिक करंट, जैसे आप अच्छी तरह जान रहे हैं। कोई ऐसा महासागर नहीं जहां जल धाराएं ना हो, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, सभी महासागरों में जल धाराएं खूब चलती हैं, 12 महीने चलती हैं। गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा,
अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी पछुआ प्रवाह है, इस इर्मिंगर जलधारा, भूमसागरी शाखा, ओयासियो की जलधारा, लेब्राडोर जल, अनेक ऐसे जलधाराएं हैं। इसी तरह से दक्षिणी भाग में चले जाएंगे अटलांटिक महासागर की ब्राजील जलधारा, फाकलैंड की जलधारा, बेंगोला की जलधारा, तो जलधाराएं पूरे महासागर में नदियों की तरह मूवमेंट करती है। ऐसी स्थिति में होगा क्या, वे करंट जलधाराएं विश्वतरेखी उच्च तापमान वाले जल को ले जा करके ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंचा देंगी। जब ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंचा देंगी तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ध्रुवीय क्षेत्रों की जलधाराएं जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती हैं, इक्वेटर की ओर आती हैं, पोल टू इक्वेटर लाइंस, तो जब ऐसी स्थिति में वहां की ठंडी जलधाराएं विषुवत रेखा के टेम्परेचर को ला करके कम कर देती है, क्योंकि वहां का ठंडा जल आकर के विषुवत रेखीय क्षेत्रों के टेम्परेचर को घटा देता है। तो ये जलधाराओं जैसे क्यूरोसियो की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जलधाराएं कैसे प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग वाटर और सरफेस, वाटर सरफेस एंड लैंड सरफेस की बात चल रही है। तो जो जली जल होगा, जो जल क्षेत्र होगा, जलधाराओं के कारण से ऊष्मा मिक्सअप होती रहेगी, प्रभावित होती रहे, टाइड्स है, ज्वार भाटा के कारण जलधाराओं में मूवमेंट रहेगा, जहां मूवमेंट रहेगा वहां संचयन नहीं हो पाएगा ऊष्मा, वेव्स है, तरंगे हैं, ऐसी स्थिति में सागरी क्षेत्रों में ऊष्मा का संचयन कम होता है। लेकिन स्थलीय क्षेत्र है, जहां आपके मकान बने हैं, खेत खलिहान बने हैं, सड़कें बनी हैं, पंचायत घर बने हैं, विश्वविद्यालय बने हैं, वे जब से आप देख रहे हैं तब से वैसे पड़े हैं, जन्म से लेकर आज तक उनमें कोई मूवमेंट नहीं। लेकिन यदि आप कोई एक पत्ती या फूल नदी में फेंक दीजिए, अगले दिन नहीं मिलेगा। और आप यहाँ मकान बना ले रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसी स्थिति में जो ऊष्मा आएगी वो संचित होती जाएगी। तो दिन के समय ऊष्मा संचयन के कारण स्थल भाग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जलीय क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ने नहीं पाता अपेक्षाकृत, जल मूवमेंट के कारण से टेम्परेचर या ऊष्मा मिक्सअप होती रहती है। इसके अलावा डिफरेंसेज इन द स्पेसिफिक हीट, जितने तल होते हैं उनको गर्म करने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊष्मा चाहिए। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमको बढ़ाने हैं, जल भाग के और स्थल भाग के दोनों के टेम्परेचर के लिए जो कैलोरी है उसकी अलग अलग क्वांटिटी चाहिए। कैसे, यहां मैंने लिखा है कि 0.19 कैलोरी प्रति ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम अर्थ सरफेस यानी लैंड सरफेस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमको केवल 0.19 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। उसकी तुलना में आप देखिए वाटर सरफेस के लिए 1.0 यानी 1 कैलोरी पूरी चाहिए, इतनी ज्यादा मात्रा में ऊष्मा चाहिए दोनों में कंपेरिजन में आप देखेंगे। और सूर्य से आने वाली ऊष्मा इक्वल है, इक्वल ऊष्मा के कारण दोनों को इक्वल ऊष्मा प्राप्त हुई, बराबर ऊष्मा प्राप्त हुई। लेकिन अर्थ और लैंड जो भाग है वो जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि उसको कम ऊष्मा चाहिए, और वाटर सरफेस देरी से गर्म होगा क्योंकि उसको ज्यादा ऊष्मा चाहिए। ऐसे जितने भी तल होते हैं, तल की अपनी निजी विशेषता होती है, उस निजी विशेषता के कारण से उसके ऊष्मा भले समान आप दीजिए लेकिन गर्म होने के दर जो होगी, टेम्परेचर बढ़ने की जो दर होगी वो बिल्कुल अलग अलग होती है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंसेज इन एल्बिडो एंड डिफरेंसेज इन क्लाउडनेस, ये भी मुद्दे हैं। जो अर्थ सरफेस होता है, अर्थ सरफेस या लैंड सरफेस कह लीजिए, लैंड यानी जो धरातल है आपका, उसका एल्बिडो और जो वाटर एरिया है दोनों के एल्बिडो में डिफरेंसेज होता है। पृथ्वी धरातल खुरदरा होगा, पृथ्वी धरातल का रंग गाढ़ा होगा, पृथ्वी धरातल में परावर्तनशीलता कम होगी, अवशोषण ज्यादा होगा। लेकिन उसी में आप लैंड सरफेस के बजाय जब वाटर सरफेस में जाएंगे, वाटर सरफेस पूरी प्लेन होगा, उसकी परावर्तनशीलता अधिक होगी, उसके एल्बिडो अलग होगा। तो ये चार सारी चीजें, कलर उसका हल्का होगा, तो जब रिफ्लेक्शन की रेशियो अलग अलग है तो टेम्परेचर भी अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लाउडनेस, डिफरेंसेस इन क्लाउडनेस, मेघाच्छादनता
हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो बादल बादल जो छाए रहता कवर किए रहता है अर्थ सरफेस पर यानी लैंड सरफेस के एरिया में देखेंगे मेघा चादनता कम होती है क्योंकि वाटर सरफेस कम होता है। और आप देखेंगे जो महासागरी इलाका है वहां पर खूब बादल छाए रहते हैं और जब आप जलचक्र को पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात सामने आती है कि जलचक्र के समय वाष्पीकरण महासागर से ज्यादा होगा और अपेक्षाकृत दोनों अर्थ सरफेस लैंड सरफेस वाटर सरफेस की बात करेंगे तो महासागरी क्षेत्रों से धरातल की तुलना में वाष्पीकरण ज्यादा होगा और बरसात धरातल के क्षेत्रों में ज्यादा होती है। भाई जहां पर वाष्पीकरण होगा वहीं और वाष्पीकरण कहाँ होगा जहां पे जल स्रोत होगा तो जहां जल स्रोत होगा जहां वाष्पीकरण होगा वहीं पर क्लाउडनेस अधिक पाया जाएगा। जो अर्थ सरफेस होता है लैंड सरफेस होता है वो अपेक्षाकृत शुष्क होता है इस कारण से वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और वाटर एरिया में टेम्परेचर कम बढ़ता है बढ़ने की दर अलग होती है। नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस जो हमारा ये धरातल है इस धरातल के एक एक इंच में अंतर पाया जाता है। आप देखेंगे और डेली आप अनुभव करते हैं क्या अनुभव करते हैं कि कहीं घास कहीं पर कोणधारी वन कहीं पर पतझड़ के वन कहीं सदाहरित वन कहीं चौड़ी पत्ती के वन कहीं रंग बिरंगी पत्तियों वाले वृक्ष कहीं पर पक्की सड़क कहीं खड़ंजा सड़क कहीं धूल वाली सड़क कहीं इस तरह से डिफरेंसेज है। सॉइल ले लेंगे तो अनेकों प्रकार की सॉइल है कोई काली सॉइल काली मिट्टी कोई लाल पीली मिट्टी कोई लैटराइट मिट्टी कोई जलोढ़ मिट्टी कोई दलदली मिट्टी तो इस तरह से जो आप चीजें देखते हैं विविधता पूरे प्रकृति में विविधता है पूरे सरफेस में विविधता है उसके तल में विविधता है और उस विविधता के कारण से एक शब्द आता है एल्बेडो कासा अनुपात जिसे कहते हैं जिसे धवलता अनुपात कहते हैं यानी जो सूर्य से आने वाली किरण है पृथ्वी से जाने वाली किरण है यानी प्रवेशी सौरिक किरण और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण दोनों के बीच के अनुपात को हम लोग कहते हैं कासा अनुपात एल्बेडो कहते हैं और वह एल्बेडो धरातल की विशेषताओं पर निर्भर करता है। बालू मोटा बालू पतला बालू खुरदरा बालू समतल कैसा बालू है कैसी चट्टाने हैं नंगी चट्टाने हैं कि फॉरेस्ट या वेजिटेशन से कवर्ड है तो किस तरह की वेजिटेशन है कैसा कलर है स्ट्रक्चर संरचना कैसी है ये सारी चीजें एल्बेडो को प्रभावित करती हैं। टेम्परेचर सूर्य यानी जो रेज होती है उसके रिफ्लेक्शन को प्रभावित करती हैं। आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में जब आप धूल वाली सड़क से गुजरते हैं पगडंडी मार्ग से खड़ंजा से नंगे पांव रहते हैं या छत पर आप नंगे पांव चलते हैं तुरंत गर्म लगता है भागते हैं लेकिन अगर घास की सड़क मिल जाए तो उस पर आप खड़े हो जाते हैं तो दोनों का टेम्परेचर अंतर आया। क्यों अंतर आया एक का कलर अलग है घास का कलर अलग है खड़ंजा या आपकी जो कच्ची सड़क है उसका कलर अलग है उसका स्ट्रक्चर अलग है संरचना घास की संरचना अलग है कहीं पर वाष्पीकरण होगा कहीं पर वाष्पीकरण नहीं होगा कहीं पर ऊष्मा संचित होगी कहीं पर ऊष्मा संचित नहीं होगी। ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न क्षेत्रों को मैंने चर्चा किया है। ग्रास अगर कोई घास का क्षेत्र है वहां पर 14 से लेकर 37% ये आपका रिफ्लेक्शन रहेगा एल्बेडो। फॉरेस्ट इलाका है जंगली क्षेत्र है तो वहाँ 5-10% होगा। वाटर है 3-5% होगा। ग्रास एरिया है तो ये 14-37 ठीक। नेक्स्ट ड्राई ग्राउंड अगर शुष्क क्षेत्र है वह 15-25 हो जाएगा। स्नो कवर एरिया है बर्फीला क्षेत्र है वहाँ 70-90% एल्बेडो पाया जाएगा। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी है तो वहाँ एल्बेडो 8-10 यानी ज़्यादातर ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा और अगर बर्फ बर्फीला क्षेत्र है तो वह रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी तरह से बर्फ दूर से चांदी की तरह चमकती है और काली सॉइल बहुत पास जाएंगे तब दिखाई देगी। अर्थ सरफेस का लगभग 34% है
हमारे बालू का 20-30% है, तो जितने सरफेस है सबके एल्बिडो अलग है, सबके ऊष्मा संचय की दर अलग होती है, सबके परावर्तन की दर अलग होती है। तो जब सबकी इनकमिंग आउटगोइंग अलग अलग है तो टेम्परेचर भी अलग अलग होगा। इसीलिए नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस, इस जो सरफेस है उसकी जो प्रकृति है, प्रकृति के कारण से तापमान में विविधता आती है। नेक्स्ट बिंदु है नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप, मैंने बहुत कम शब्द लिखे हैं, हिल लिखा, लोकेशन साइड, प्लेन लिख दिया, स्ट्रक्चर प्लेट्यू लिख दिया। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे जैसे एक फिगर आपके पास है, ये आया, मान लो इस फिगर पर चर्चा कर लें, लेकिन पॉइंट पहले स्लोप के आधार पर, यह आपकी भारत भूमि है, भारत भूमि के यहां पर हिमालय है उत्तरी क्षेत्र में, हिमालय उत्तरी क्षेत्र में है और हिमालय के दक्षिण में सूर्य चमकता है। जब हिमालय के दक्षिण में ही सूर्य चमकेगा, यहां आपकी भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, सूर्य बहुत मेहनत करेगा साल भर में तो कर्क रेखा तक जाएगा, इसके उत्तर नहीं जा सकता, किरणें ऐसे पड़ेंगी तिरछे। अब सूर्य यहां जो हिमालय ऐसे होगा, किरण ऐसे पड़ेगी, तो इसका रिजल्ट ये आएगा, इसका परिणाम ये होगा कि हिमालय के उत्तरी ढाल पर सूर्य की किरण नहीं पहुंचेगी, हिमालय के उत्तरी ढाल पर सूर्य की किरण नहीं पहुंचेगी। केवल ये उच्चावच का कारण फैक्टर है। जो पर्वत श्रेणी, ये आपकी राकेश पर्वत श्रेणी, ये इंडीज पर्वत श्रेणी यहां पर है, राकेश इंडीज, यहाँ यूराल पर्वत श्रेणी, यहाँ अरावली पर्वत, फिर सतपुड़ा विंध्याचल, जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का जो स्लोप होता है कुछ सूर्य के सामने होगा, उसे कहेंगे सूर्य अभिमुख ढाल, जो सूर्य के विपरीत होगा उसे कहेंगे सूर्य अभिमुख ढाल। जो सामने होगा उस पर सूर्य की किरणें ज्यादा मिलेंगी, इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो सूर्य के विपरीत ढाल होगा उस पर सूर्य की किरणें कम होंगी, उस पर जो है इंसोलेशन कम मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल दें आपको, भारत देश है, यहाँ पे मकान बनाए जाते हैं, मकान सबके पास है, आप लोग अनुभव करिएगा, जो लोग उत्तर प्रदेश में हैं उनके मकान की उत्तरी दीवार पर सूर्य का प्रकाश साल भर में कभी नहीं पड़ती। पूरब आपके दरवाजे हैं, दोपहर तक सूर्य की किरण जब मीठी थी तो आई, उसके बाद दोपहर में वर्टिकल, उसके बाद सूर्य दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में चमकने लगा। उधर दरवाजे बैठ का आप बरामदा नहीं निकालते कि सूर्य की किरण बहुत तेजी से आएगी, वह एरिया बैठने लायक नहीं रहेगा। ऐसी दृष्टिकोण से आप पर्वत को ले लीजिए, हिमालय पर्वतमाला कर्क रेखा के उत्तर में है, उत्तर में है, उसके उत्तरी ढाल तिब्बत वाले ढाल की ओर सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचेगा। इसी तरह से आप उसके दक्षिणी स्लोप को ले लीजिए, जो भारत भूमि की ओर है, सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा। अब कर्क रेखा के आप दक्षिण में चलिए, आप पूर्वी घाट पहाड़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट पहाड़ी, सतपुड़ा विंध्याचल को ले लीजिए, बालाघाट, तुलसी पर्वत, पित्तुर रानी चोटी ले लीजिए, सतमाला, गाबिलगढ़ पहाड़ी ले लीजिए, उस पहाड़ी के ऊपर से सूर्य आता है। एक बार दक्षिण भी चमकेगा, फिर कर्क रेखा पर आएगा, तो आपकी भारत भूमि जो दक्षिण कर्क रेखा से दक्षिण है, उसके दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल दोनों पर भी सूर्य की प्रकाश पहुंचेगा। तो स्लोप के कारण भी सूर्य का जो प्रकाश है उसके वितरण में विविधता मिलती है। इसी तरह प्लेन का स्ट्रक्चर, उसका टेम्परेचर अलग अलग होगा, कहीं ककरीला कहीं पथरीला, अभी जस्ट पहले हमने डिस्कस किया। फिर स्लोप कैसा होगा, खड़ा ढाल होगा कि मंद ढाल होगा, इस कारण से भी तापमान के वितरण में असमानता पाई जाती है। ट्रेवलिंग विंड्स, जो पवन का प्रवाह होता है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जलधाराएं और पवने उष्मा इंजन का कार्य करती हैं, वो उष्मा को खींच ले जाती हैं, कहां खींच के लाए जाएंगी, जहां कम रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे इस फिगर में, वर्ल्ड मैप में, इस वर्ल्ड मैप में आप आएंगे, यहाँ एक पवन है हरमट्टान, तीन पवन चार पवन का एग्जाम्पल लेते हैं, हरमट्टान पवन है H1A पर, ये हरमट्टान पवन, ये हरमट्टान पवन पूरी तरह से उष्ण और शुष्क है,
ये विषुवतरेखीय क्षेत्र है। विषुवतरेखीय क्षेत्र में हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, हाई क्लाउडनेस पूरे ईयर रहती, थ्रू ईयर। तो जब पूरे साल भर उच्च तापमान, उच्च वर्षा, उच्च बादल छाए रहता है, हमेशा 60-65 से ज्यादा बादल छाए रहते हैं, लोगों के यहाँ खूब उमस होती है, स्वास्थ्य के प्रतिकूल मौसम होता है। यहाँ एक देश गिनी है, गिनी को गोरों की कब्रगाह कहा जाता है। उपनिवेशवाद के दौरान जब यहाँ से यूरोपियंस आकर के यहाँ पर रुकते थे, यहाँ की क्लाइमेट वेदर बड़ा अनुकूल था स्वास्थ्य के। जब यहाँ आते हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, उच्च तापमान, उच्च जलवर्षा, उच्च आर्द्रता, उच्च ह्यूमिडिटी, ऐसी स्थितियों में क्या होता था, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता था, वे एक्सपायर कर जाते थे। तो यहाँ पर यूरोपियंस के समय या आज भी ये जो हर्मटान उष्ण और शुष्क है, गर्म और शुष्क पवन है, जब इस एरिया में पहुँचती है वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। टेम्परेचर बढ़ा देगी तो वह का मौसम मानव स्वास्थ्य के अनुकूल हो जाता है, सुहावना हो जाता है, लोगों के रोग खत्म हो जाते हैं। इसको लोग डॉक्टर विंड कहने लगे कि हर्मटान पवन आई और रोग से लोग निरोग हो गए, तो हर्मटान जो हो वो डॉक्टर विंड के रूप में कही जाने लगी। एक पवन चिनूक है, ये यहाँ पर चिनूक पवन बहती है राखी के सहारे। राखी पर्वत के पूर्वी ढाल पर, राखी पर्वत है कनाडा और यूएस के क्षेत्र में पश्चिमी भाग में, यहाँ पर ये चिनूक पवन जब राखी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है, तो जैसे जैसे वायु ऊपर से नीचे उतरेगी, कंप्रेस्ड होती जाएगी, संपीड़ित होती जाएगी। अभी मैकेनिज्म हमने बताया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस से वे जब संपीड़ित होगी तो उसका डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये चिनूक पवन क्या करेगी, आसपास के क्षेत्रों में जमा बर्फ को पिघला देती है। तो वहां के किसान बड़े प्रसन्न होते हैं कि चिनूक पवन आई और बर्फ को खा गई। तो राखी पर्वत के पूर्वी तट के सहारे चिनू पवन अपने टेम्परेचर से वहां के बर्फ को पिघला देती है। ये क्षमता होती है आपके प्रवेलिंग विंड्स में। और आप आइए भारत भूमि से, यहाँ पर भारत देश में एक लू पवन आती है अप्रैल मई के महीनों में, खूब तेजी से बहती है। भारत पाकिस्तान में लू पवन का जब संचार होता है, अभिवहन होता है, एडवेक्शन होता है, ऐसी स्थिति में राजस्थान के डेजर्ट के इलाके से आने की वजह से उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों में, पूर्वांचल के रीजन में, तो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इसलिए लोग गर्मी अप्रैल मई के महीने में, गर्मी के दिनों में घर से बाहर दोपहर में नहीं निकलते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देती है। ये तो हमने गर्म पवन की बात कहा, इसके बाद ठंडी पवनों की बात आप देख सकते हैं कि ठंडी पवनें भी जहां जाएंगी वहां के टेम्परेचर को घटा देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओशियनिक करंट्स। ओशियनिक करंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो टेम्परेचर को कैसे घटाती बढ़ाती है। आप देखिए बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही आपको बताते हैं। इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये आई यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम बन गई, रेड कलर की एकदम तप्त है, बहुत गर्म जलधारा है। ये आगे बढ़ गई, यहाँ लेब्राडोर जलधारा आई, इसके बाद उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट बनी। अब ये ड्रिफ्ट आगे चली जाएगी ऐसे, देखिए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ गई आगे, यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये सब देश हैं, यहाँ रसिया है, यहाँ पर रसिया का मुरमांस्क बंदरगाह है, ध्यान रखिए मुरमांस्क बंदरगाह। अब ये गर्म जलधारा आएगी मुरमांस्क बंदरगाह के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, नॉर्वेजियन सागर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठंडी के दिनों में रसिया के उत्तरी तट के बंदरगाहों में केवल एकमात्र बंदरगाह मुरमांस्क है जहां पर व्यापार वाणिज्य जलयान आसानी से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी जलधारा के कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है नॉर्वेजियन सागर का, और बर्फ में कन्वर्ट नहीं होने पाता नॉर्वेजियन सागर, वो जल में ही कन्वर्ट रहता है, और इसका परिणाम होता जलयान मुरमांस्क बंदरगाह में जाता है। इतना बढ़िया एग्जाम्पल है ये कि गर्म जलधाराएं कैसे टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। इसके बाद आप देखिए ये आपका
गल्फ स्ट्रीम जल धारा यहाँ फॉकलैंड के इलाके टेम्परेचर बढ़ा देती है, मत्स्यन होता है। यहाँ पर ब्राजील जलधारा ये टेम्परेचर बढ़ा देती है, यहाँ अंगुलहास जलधारा टेम्परेचर बढ़ा देती है। अब बेंगोला ले लीजिए और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये पेरू की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा जिसे कहते हैं, ये ठंडी जलधाराएं यहाँ के टेम्परेचर को घटाती हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, इस ठंडी जलधाराओं के ऊपर से जब हवाएं गुजरती हैं तो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने की वजह से सागर से मॉइस्चर नहीं ले पाती, आगे जाके बरसात नहीं करेंगी। तो खैर ये तो बातें बात की आएंगी, लेकिन ये ठंडी यहाँ विषुवत रेखी क्षेत्रों में ठंडा जल ले जाती है, टेम्परेचर को जितना बढ़ना चाहिए उससे कम बढ़ पाता, घटा देती है। कनारी जलधारा टेम्परेचर को घटा देती है, जितनी ठंडी जलधाराएं जाती हैं जहां पहुंचती हैं वहां टेम्परेचर को घटा देती है। ओयासू जलधारा जापान के उत्तर में होकाइडो के पास जहां मिलती है, टेम्परेचर को क्यूरोशियो जितना बढ़ा ले जाती उतना बढ़ाने नहीं पाती बल्कि घटा देती है। इसी तरह से लेब्राडोर जलधारा टेम्परेचर घटा देती है। तो ये जलधाराएं भी टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने का काम करती हैं, उष्मा इंजन का काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाउडनेस। देखिए यहाँ पे ये कहा है 0 से 9%, इस कलर का मानचित्र है। यहाँ पर बादल कम छाए रहते हैं, वायुमंडल नीट क्लीन रहता है। ये देखिए यहाँ पर 90 से 100% एकदम से 90 से 100% यानी इतने बादल छाए रहेंगे, तो जब ज्यादा बादल छाए रहेंगे तो ऐसी स्थिति में अधिक बादल के छाने की वजह से टेम्परेचर प्रभावित होता है। यहाँ बादल कम है, वायुमंडल नीट क्लीन है, सूर्य की किरणें खूब मिलती हैं। यहाँ बादल ज़्यादा होंगे, वायुमंडल गंदा होगा, सूर्य की किरणें आएंगी, बीच में व्यवधान होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जिस दिन आपके यहाँ आंधी आती है, खूब धूल वायुमंडल में छा जाता है, तो सूर्य की किरणें आप तक बहुत हल्की हो जाती हैं, कम मिलती हैं। भाई सूर्य और आपके बीच में धूल भरी आंधी की धूल आ जाती है, वैसे सूर्य और आपके बीच में यानी आप और धरातल और सूर्य के बीच में बादल छा जाते हैं, तो सूर्य से आने वाला इंसोलेशन प्रभावित होता, जब आएगा ही नहीं तो टेम्परेचर कहाँ से बढ़ेगा। तो इस तरह से टेम्परेचर के घटने बढ़ने में बहुत से ऐसे फैक्टर हैं, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, कैसे कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, कैसे कैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, फैक्टर कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। मेरे शिक्षार्थियों इसको खूब समझिए, जहाँ कहीं क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग करिएगा। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।